नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सूबे के विकास के लिए लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े कदम उठा रही है। यहां सबसे पहले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया था, वहीं प्रदेश में बेरोजगार और टैलेंटेड युवाओं के विकास के लिए भी कई बड़े कदम उठाए हैं। योगी ने इस कड़ी में फिल्म सिटी खोलने का फैसला लिया। ये फिल्म सिटी कोई आम फिल्म सिटी नहीं बल्कि बॉलीवुड का विकल्प बनेगी। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बता दें कि उनके इस फैसले से अयोध्या और मथुरा वृंदावन की सीमा विस्तार के साथ विकास को नए पंख मिलेंगे। इसके साथ ही काशी के लिए धर्मार्थ कार्य का विभाग का निदेशालय बनाया जाएगा। इसके अलावा यूपी के 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मंजूरी दी गई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि योगी ने यूपी के लोगों के लिए क्या क्या सौगातें दी हैं। आपको बता दें कि धर्मार्थ कार्यों के लिए विभाग में निदेशालय का गठन प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। निदेशालय का मुख्यालय वाराणसी में होगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर में श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए भवन में इसका मुख्यालय बनेगा। इस भवन का उद्घाटन 12 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अयोध्या को विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए अयोध्या विकास क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का भी फैसला लिया है। नई अयोध्या में कुल 343 गांव शामिल किए जाएंगे और इसका दायरा 872.81 वर्ग किलोमीटर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को लिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने मथुरा वृंदावन विकास क्षेत्र में बरसाना और सौंख नगर पंचायत को भी शामिल करने का फैसला लिया है। इसके अलावा साथ ही मथुरा व गोवर्धन तहसील को भी इसमें शामिल करेंगे। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने जुलाई महीने में शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसमें नगर पंचायत बरसाना और मथुरा सौंख उस फार गांव से सौंख नगर पंचायत और मार्ग के दोनों ओर 5-5 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। आवास विभाग ने कैबिनेट में हुई इस बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग में अब निदेशालय का गठन करने का फैसला लिया है। इसका मुख्यालय काशी में होगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सुंदरीकरण योजना के लिए काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र परिषद अधिनियम, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन और प्रबंधन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से संबंधित अध्यादेश को बनाए जाने तथा राजगोपाल ट्रस्ट अयोध्या के प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया गया है। तो आपको योगी सरकार के ये तमाम फैसले कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी फैसले लिए गए हैं ये उत्तर प्रदेश के विकास में कारगर साबित होंगे? तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।